हेलो दोस्तों, आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने एक खिलाड़ी को ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। तो कौन है वो खिलाड़ी, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले ये अपडेट आ रहा था कि फल्गुनी सिंह जो है नॉर्थ ईस्ट एफसी फल्गुनी सिंह पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो मैंने भी वीडियो बना दिया था और वीडियो में बोल दिया था कि फल्गुनी सिंह पे नॉर्थ ईस्ट एफसी इंटरेस्ट दिखा रहा है। तभी जो ये कन्फर्म हो चुका है, तो आज नॉर्थ ईस्ट एफसी ने इनको जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, फल्गुनी सिंह को जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो भी जो है नेक्स्ट सीजन फल्गुनी सिंह नॉर्थ ईस्ट एफसी में कंटिन्यू करेंगे। तो फल्गुनी सिंह जो है पिछले सीजन आई लीग में खेल रहे थे और आई लीग में तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अभी जो है नेक्स्ट सीजन हमारे नॉर्थ ईस्ट एफसी में कंटिन्यू करेंगे। और फल्गुनी सिंह जो है मणिपुर से बिलोंग करता है, मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट से ही है फल्गुनी सिंह। तो फल्गुनी सिंह जो है इंडिया से बिलोंग करता है। 28 ईयर्स के एक यंग खिलाड़ी फल्गुनी सिंह। और इनके पोजीशन के बारे में बात करें तो ये डिफेंस साइड मिडफील्डर के पोजीशन में खेलता है फल्गुनी सिंह। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने। तो बात करते हैं फल्गुनी सिंह के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो 31 मई 2025 तक का कॉन्ट्रैक्ट है फल्गुनी सिंह का नॉर्थ ईस्ट एफसी में। तो अभी देखते हैं नॉर्थ ईस्ट एफसी में कैसा परफॉर्मेंस करता है फल्गुनी सिंह। तो नॉर्थ ईस्ट एफसी ने जो है गाइस आईएसएल सीजन 10 के लिए अपना फर्स्ट साइनिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी भी बहुत प्लेयर्स को साइनिंग करना है नॉर्थ ईस्ट एफसी को, और बहुत सारे खिलाड़ी को साइन भी कर लिया है, मतलब अनाउंसमेंट करना बाकी है। जैसे इद्रिस साजी, उसके बाद रिडीम तालंग, तो इन सबका ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना बाकी है। तो जब इनका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा तो हमारे चैनल पर वीडियो भी आ जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार आप में से बहुत सारे बंदे हमारे रोज वीडियो देखते हो और कुछ बंदे तो लाइक्स भी करते हैं हमारे वीडियो को, लेकिन पता नहीं यार क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार प्लीज़ कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ वीडियो डालता हूँ नॉर्थ ईस्ट एफसी से रिलेटेड अपडेट वगैरह। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। और जुलाई का फर्स्ट या सेकेंड वीक में हमारा कोच आ जाएगा गुवाहाटी और गाइस अपना ट्रेनिंग जो है शुरू कर देगा। तो अभी देखते हैं कोच कैसे ट्रेनिंग करता है। आई होप कि मतलब ड्रोन कप में अच्छा परफॉर्मेंस करे। 3 अगस्त से ड्रोन कप जो है स्टार्ट होने वाला है, तो ड्रोन कप के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, मतलब कौन सा टीम खेलेगा। और मोहन बगान का जो है नाम भी चेंज कर दिया है ड्रोन कप में, मतलब जो लोगो है वो चेंज हो गया है। तो अभी लोगों में मोहन बगान सुपर जेंट्स लिखा है। और गाइस हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का असिस्टेंट कोच था फ्लाइट पिंडो, वो जो है गाइस बेंगलुरु एफसी में जा चुका है। मतलब जो बेंगलुरु के असिस्टेंट कोच है वो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, और नॉर्थ ईस्ट के असिस्टेंट कोच बेंगलुरु एफसी में चला गया। तो अभी देखते हैं जुआन पेड्रो बेनाली और नुसरत मोसा क्या करता है हमारे नॉर्थ ईस्ट एफसी में। आई होप कि अच्छा करे। और मंदार तामले भी है न्यू सीओ, तो आई होप कि सब अच्छा करे। और गाइस नॉर्थ ईस्ट एफसी जो है गाइस 2-3 वीक के अंदर ही प्लेयर्स को साइनिंग कर लेंगे, और उसके बाद जुआन पेड्रो बेनाली गुवाहाटी आकर मतलब ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट सीजन क्या करता है। और गाइस हमारा जो ईआईएसएल का प्लेयर है, मतलब जो ईआईएसएल टीम में खेलता है इमात, उसका आज बर्थडे है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो हमारे कॉमेंट्स में हैप्पी बर्थडे लिखना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट एफसी से रिलेटेड ट्रांसफर अपडेट रूमर्स वगैरह जानने के लिए मिलते रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।